हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हम पालक पराठा बनाएंगे और इसके साथ मैं ये चटनी बनाऊंगी, पके आम की और दाल। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं दाल बनाऊंगी और यहाँ पे मैंने ये मूंग दाल बनाया है। तो ये हाफ कप मूंग दाल है और इसे मैं प्रेशर कुकर में सिर्फ एक सीटी पे पकाऊंगी, थोड़ा नमक और हल्दी डालकर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसमें 4 कप पानी डाल रही हूँ और इसके बाद हम इसमें हल्दी डालेंगे और नमक है और थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये रेड चिल्ली पाउडर भी डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। तो जब इसमें एक सीटी आ जाए तो हम इस दाल को निकाल कर रख लेंगे और बाद में हम इसे फ्राई करेंगे। जब तक वो ठंडा हो रहा है मैं यहाँ पे आटा गूंथ लेती हूँ। तो पालक पराठे के लिए जो मैं आटा तैयार करूँगी, तो आटे में ही पालक और कुछ मसाला मिलाएंगे। तो इस आटे में सबसे पहले हम जिंजर गार्लिक चिली का पेस्ट डालेंगे। ये पेस्ट नहीं है, बहुत बारीक चॉप किया हुआ है। तो ये 1 टीस्पून है और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है और 1/2 टीस्पून ये मैं अजवाइन डाल रही हूँ। अब हम इसमें बारीक चॉप किया हुआ ये अनियन डालेंगे। ये आप 2-3 टेबलस्पून डाल सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो, बट बहुत ज़्यादा अनियन नहीं डालेंगे क्योंकि फिर वो पानी छोड़ेगा और हमारा पराठा अच्छा नहीं बनेगा। और ये 1 कप के बराबर बारीक चॉप किया हुआ पालक है। फिर हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। मैं ये जीरा डालना पहले भूल गई थी तो अभी डाल देती हूँ। और इसमें ये 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स करके आटा बना लेंगे, गूँथ लेंगे इसे। इस पराठे के डो को बहुत गीला नहीं गूँथेंगे क्योंकि सारा मसाला इसमें मिक्स है, तो हम इसे थोड़ा कड़ा ही बनाएंगे, थोड़ा कड़ा। और बाकी के बचे हुए जो ये प्याज और अदरक लहसुन का जो चॉप किया हुआ मसाला है, इससे हम बाद में दाल को फ्राई करेंगे जो हमने दाल बनाई है। तो तब तक मैं ये आटा गूंथ के और इसे ढक कर रख दूंगी। तो ये इस तरह से थोड़ा सा कड़ा है आटा बाकी पराठे से। जब हम पराठे को हम स्टफ़ करके बनाते हैं, कोई भी मसाला स्टफ पराठा बनाते हैं, तो आटे को थोड़ा सॉफ्ट बनाना चाहिए। पर जब हम आटे में कुछ मिक्स करके पराठा बना रहे हों, खास करके अनियन और पालक, तब हमें आटा थोड़ा कड़ा बनाना चाहिए। तो इस तरह से मैंने ये आटा को बना लिया है, गूँथ लिया है और अब इसे ढककर रख दूँगी। और अब हम दाल को फ्राई करेंगे। पहले जब तक मैं दाल फ्राई करूँगी, हमारा आटा भी अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। तो दाल फ्राई करने के लिए मैंने इस हांडी में 3 टेबलस्पून घी लिया है और 1/2 टीस्पून जीरा है। तो जब ये जीरा चटक जाए घी में, तब हम इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का ये चॉप किया हुआ मसाला डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। इसमें फिर अनियन भी डाल देंगे, ये भी 2-3 टेबलस्पून के बराबर है। और 2-3 मिनट के लिए इसे अच्छे से थोड़ा सौते करेंगे और फिर हम इसमें कुछ मसाला मिलाएंगे। तो ये कश्मीरी मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च है, जिससे कलर आएगा थोड़ा और फ्लेवर भी आता है इससे। और ये कसूरी मेथी है 1/2 टीस्पून। अब हम इसमें दाल डाल देंगे और इसे मिक्स करते हुए 5 मिनट के लिए पका लेंगे। अगर आपको ये थोड़ा गाढ़ा लगे तो आप इसमें 1/2 कप या 1 कप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं, जैसा आपको थिकनेस चाहिए। और ये दाल फ्राई हो गया है, इसे साइड रखेंगे और अब पराठा बनाएंगे। तब तक ये हमारा आटा भी बहुत सॉफ्ट बन चुका है। पराठों की साइज़ आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा जैसा चाहे रख सकते हैं।
मैं मीडियम ही रखती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है इसे, क्योंकि ये स्टफ़ नहीं करना है तो मैं इसलिए इसे थोड़ा बड़ा ले रही हूँ। कोई भी आटे में अगर हम लीफी वेजिटेबल्स को मिलाकर इस तरह से पराठा बनाते हैं तो इसे थोड़ा सा बड़ा बना सकते हैं। चपाती की तरह इसे सेंकना भी होता है। तो अभी मैंने इस पे ये पहला पराठा डाल दिया है और दूसरा भी मैं बेल कर तैयार कर लेती हूँ। और बचे हुए आटे में मैं थोड़ा सा सूखा आटा मिक्स करके उसे अलग रख लूँगी। ये जो आटा है इसे आप अलग रख सकते हैं, बाद में बना सकते हैं। तो अभी इस पराठे को उलट पलट कर अच्छे से सेंक लेंगे, फिर बाद में इसे घी लगाएंगे। घी या तेल जो भी आप लगाना चाहते हैं, एक बार इसे जब दोनों तरफ से अच्छे से सेंक लेंगे तब इसमें घी लगाएं। तो ये एक पराठा तैयार हो गया है, इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह से दूसरा पराठा भी बना लेंगे। तो दूसरे पराठे को भी इसी तरह से सेंक लेंगे और अच्छे से सेंकने के बाद हम अपने थाली को सजाएंगे। तो मैं ये पालक पराठे की थाली में ये दाल रखूंगी पहले, और मैंने एक चटनी बनाई है जिसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया है। पके हुए आम की चटनी है और दही है। इस चटनी के साथ ये पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको इसका कॉम्बिनेशन कैसा लगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।